सिंह आपको तो कुछ फ्री नहीं मिलने वाला है, या मिलता है कुछ फ्री में वादे हुए थे आपसे भी। सर आप सभी का बहुत बहुत आभार सर, और हम लोग फ्री में सर कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम लोग विद्यालय में 6 से 8 घंटा मेहनत करते हैं, उसका मेहनताना मांगते हैं। हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, और फ्री की व्यवस्था भी सर बंद होनी चाहिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे कि फ्री की व्यवस्था को वास्तव में बंद करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक स्वावलंबी होना चाहता है, मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है। हम विद्यालय में मेहनत करते हैं, बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसके एवज में हम उचित मानदेय या वेतन की मांग करते हैं। हमको खैरात में नहीं चाहिए, हमको कोई खैरात में नहीं चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना आप हमको दीजिए, और जो न्यूनतम, जब तक आप हमको नियमित नहीं करते हैं उस तब तक जो न्यूनतम मानदेय या वेतन 24,000 रुपया भारत सरकार ने तय किया है, वही 24,000 रुपया हमको दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये नियम और कानून आप स्वयं बनाते हैं, और सरकार जब स्वयं अपने ही नियम कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर जनता से कैसे वादा करेगी कि जनता उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन करे। पहले तो सरकार को खुद नियम कानून का पालन करवाना चाहिए, और जो नियम आपने स्वयं बनाया है और आज नहीं बनाया है, 28 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने 24,000 न्यूनतम मानदेय या वेतन की घोषणा की थी, और जब हमारी 2013 में नियुक्ति हुई थी उस समय 6th वेतन आयोग लागू था जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 7,000 रुपया था, और इसीलिए उस समय हमको 7,000 रुपया दिया जा रहा था, क्योंकि उस समय जो महंगाई थी उसके अनुसार से वो 7,000 तय किया गया था। लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है, आज आप हर चीज का दाम दे रहे हैं। कल ही मैंने सिलेंडर 1150 रुपए में खरीदा, अब आप बताइए जब 1150 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, सरसों का तेल मिलेगा, पेट्रोल का भाव आप देख रहे हैं, एक अनुदेशक 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 200 रुपया वो प्रतिदिन पेट्रोल में भराता है, 300 रुपया मिलने को पाने वाला अनुदेशक यदि 200 रुपया पेट्रोल में उसका चला जाएगा तो घर में वो भोजन क्या करेगा, उसको रोटी कहाँ से मिलेगी, उसको दाल कहाँ से मिलेगी।